बिग बॉस ओटीटी 2 के गुरुवार वाले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। दरअसल शो के दो कंटेस्टेंट जट हदीद और आकांक्षा पुरी ने एक दूसरे को किस कर लिया। ये किस 30 सेकंड तक कैमरे के सामने किया गया। शो के अन्य कंटेस्टेंट अविनाश सचदेवा ने जट हदीद और आकांक्षा को एक डांस के दौरान किस करने के लिए चैलेंज किया था। दोनों ने इस चैलेंज को पूरा करते हुए लंबा फ्रेंच किस किया। हालांकि अब इस पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शो में ऐसा क्यों होने दिया। बिग बॉस ओटीटी 2 के प्रीमियर के दौरान सलमान ने कहा था कि वो अपने शो में कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे व्यूवर्स को आपत्ति हो। जट हदीद मूल रूप से लेबनान के मॉडल है जो दुबई में रहते हैं। इस बार शो में उन्होंने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली। उनकी एक बेटी भी है, हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका है। शो में वो अक्सर आकांक्षा से नजदीक दिखाई देते हैं। उन्होंने आकांक्षा के लिए अपना लव इंटरेस्ट भी जाहिर किया है। हालांकि अब इन दोनों ने किस करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी देखते हैं। हमेशा से देखा गया है कि बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा होता है जिसे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किन्हीं दो कंटेस्टेंट्स ने कैमरा के सामने सीधे तौर पर किस कर लिया है। शो के प्रीमियर के दौरान सलमान खान ने कहा था कि बिग बॉस का भले ये ओटीटी वर्जन हो, लेकिन वो कंटेस्टेंट को कुछ भी ओवर द टॉप नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा था कि ओटीटी में कोई सेंसरशिप नहीं होता, लेकिन इस शो के लिए वो खुद सबसे बड़े बैरियर है। उन्होंने कहा था अगर शो में ऐसा होता है तो मैं खुद उसे हैंडल करूंगा। शो हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए चलाना चाहिए और इसलिए मैं बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि शो के कंटेस्टेंट को सलमान की ये बात समझ नहीं आई है, इसी वजह से वो खुलेआम उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। सलमान ने अभी पिछले दिनों कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। उनका मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। सलमान खान के मुताबिक आजकल 15-16 साल के बच्चे तक ऐसे कंटेंट देख रहे हैं। हम इंडिया जैसे देश में रहते हैं, हमें इतना वल्गर कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए। अगर कंटेंट साफ सुथरा हुआ तो व्यूअरशिप और बढ़ेगा। अब हर कोई फोन पर ऐसे कंटेंट देख रहा है और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आजकल बच्चे पढ़ने के बहाने डिवाइस लेते हैं और उसमें ये सब चीजें देखते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी ये सब देखे?